खबर जहां सत्यम न्यूज वहां सुप्रभात आदाब नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए इस अहम खबर के साथ। आने वाले दिनों में भदोही जिले का तापमान बढ़ेगा और इस दौरान मौसम पूरी तरह साफ होगा। आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम काफी गर्म होगा, 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दिन व रात का तापमान बढ़ने के साथ गर्मी अपना असर भदोही जिले में दिखाएगी। भदोही जिले का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि साफ मौसम को देखते हुए फसलों की कटाई पूरी कर लें। पशुपालक भाइयों को भी सलाह दी गई है कि पशुओं को धूप से बचाव के लिए बेहतर उपाय कर लें। 19 फरवरी को जमीनी विवाद को लेकर कोइरौना थाना इलाके के डीह गांव में जोखूलाल निषाद व मनोज मिश्रा के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में जोखूलाल निषाद की पत्नी भोथला देवी सहित दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में कोइरौना पुलिस ने 19 फरवरी को ही मुकदमा दर्ज करते हुए 7 लोगों को जेल भेज दिया था। 19 फरवरी को हुई मारपीट में घायल भोथला देवी की इलाज के दौरान वाराणसी के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। गुरुवार की शाम जब महिला का शव गांव पहुंचा तो हंगामा खड़ा हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कटरा बाजार के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन करने लगे। हालांकि पुलिस ने मौत के बाद धारा 304 की बढ़ोतरी भी कर दी है। महिला भोथला देवी की मौत के बाद परिजन संघ ग्रामीण आक्रोशित हो गए, सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन करने लगे। चक्का जाम कर रहे लोग गंगा किनारे तराई के समीप मुआवजे के रूप में जमीन की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, SDM ज्ञानपुर आकाश कुमार, CO प्रभात राय व कोइरौना पुलिस सहित कटरा पुलिस चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। चक्का जाम व प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। चक्का जाम से वाहनों की कतारें लग गई थी, काफी देर तक आवागमन ठप रहा। कल तक साथ रहने वाले आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता DM सिंह गहरवार व उनके साथ चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रियांशु सिंह के बीच ठन गई है। चौरी के निदुरपट्टी निवासी प्रियांशु सिंह ने जहां एक ओर SP कार्यालय पहुंचकर भदोही शहर के पिपरी रया निवासी DM सिंह गहरवार के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि DM सिंह गहरवार नाजायज काम करने का दबाव डाल रहे थे, काम न करने पर अब धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर DM सिंह गहरवार ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि प्रियांशु सिंह ने उसे धमकी दी है। DM सिंह गहरवार की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने प्रियांशु सिंह के खिलाफ धारा 504 507 के तहत NCR दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा खमरिया मोड़ के समीप JCB से एक बाइक टकरा गई। मौके पर ही वाराणसी के मिर्जा मुराद अर्ता कंसरायपुर गांव निवासी 30 वर्षीय अनिल कुमार नामक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। सूचना पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और शव को कब्जे में ले लिया था। उधर हादसे के बाद JCB छोड़कर चालक फरार हो गया। बताया जाता है कि अर्ता के कंसरायपुर निवासी बाइक सवार अनिल कुमार कोइलरा अपनी मौसी के घर आया हुआ था। लौटते समय विपरीत दिशा से आ रही एक JCB से बाइक टकरा गई, जिससे घटना स्थल पर ही बाइक सवार अनिल कुमार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर रोते बिलखते परिजन भी गोपीगंज पहुँच गए थे। रिहायशी मढ़े में आग लग गई, आग से गृहस्थी बिस्तर जलकर खाक हो गया। सूचना पर UP डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैराखास का है। बैराखास गांव में जावेद अली का मढ़ा था। परिवार की महिला सदस्य नाजमा के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे अचानक मढ़े में आग लग गई। मढ़े से आग की लपटें उठने लगी। निजी संसाधनों से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मढ़े में जानवर भी बंधे हुए थे। मढ़े में रखा बिस्तर चारपाई राशन आदि सामान जलकर राख हो गया। रात में ही परिजनों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दे दी थी। उधर सुबह नजमा अपने परिजनों के संग ज्ञानपुर कोतवाली पहुंची।
और शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद के चलते रंजिश बस उसके मढ़े में आग लगा दी गई है। भदोही जिले में गुरुवार को हनुमान जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कहीं छप्पन भोग तो कहीं भंडारे का आयोजन किया गया। भदोही शहर के आनंद नगर श्रीराम मंदिर पर सुंदर कांड पाठ के साथ हनुमान जी महाराज का अभिषेक और पूजन अर्चन के बाद छप्पन भोग लगाया गया। देर रात तक सुंदर कांड का पाठ चलता रहा। हनुमान जी महाराज को छप्पन भोग लगाया गया और प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी महाराज बागीश पांडे सहित विक्की गुप्ता, गुड्डू, विकास सेठ, संतोष शर्मा, शीतला सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के अवराई रोड, हनुमान बाग, प्राचीन हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। देर रात तक भंडारा चलता रहा। विवादित भूमि पर दबंगों ने अमीन अदालत के साबूतों को मिटाने के लिए मशीन लगाकर लिप्टस का पेड़ धराशाही कर दिया है। पीड़ित फरियादी दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामला भदोही शहर के हरियाव का है। तिलक नाथ ने जिले के डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहा कि अमीन अदालत के साबूतों को मिटाने के लिए विपक्षी आदिनाथ उर्फ मुन्नालाल, रामचंदर, रामलखन, रामकिशुन, संदीप आदि लोगों ने सुबह 7 बजे पहुंचे और मशीन लगाकर लिप्टस के पेड़ को धराशाही कर दिया है। विरोध करने पर तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। फरियादी तिलकनाथ ने जिले के अधिकारियों को पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के कसिदहा गांव में जापानी उल्लू पाया गया। ग्रामीणों ने उल्लू मिलने की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंचे जुरई वन विभाग कार्यालय से ब्रिजलाल ने उल्लू को कब्जे में ले लिया। कसिदहा में मिले उल्लू को सीतामढ़ी के जंगलों में वन विभाग ने छोड़ दिया है। गुरुवार की सुबह कसिदहा गांव के एक बगीचे में उल्लू जमीन पर पड़ा हुआ था, जहां गांव के विनोद यादव, अर्जुन यादव, अंकित यादव, विकास यादव जैसे युवकों ने उल्लू को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मी ब्रिजलाल के मुताबिक कसिदहा गांव में मिला उल्लू जापानी है। भदोही शहर के चौरी रोड मोरवा पुल के समीप 29 मार्च को एक सड़क हादसा हुआ था। हादसे में बोलेरो के धक्के से 2 बाइक पर सवार कुल 4 लोग घायल हो गए थे। हादसे में घायल रामरायपुर के धसकरी निवासी पंचदेव की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायलों का इलाज चल रहा था। गुरुवार को मोरवा पुल के समीप हुए हादसे में घायल चौरी के चकभुईधर निवासी शहजाद अंसारी की भी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अब भी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मोरवा पुल के समीप बोलेरो के धक्के से 2 बाइकों पर सवार कुल 4 लोग घायल हुए थे। अब तक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचदेव के बाद 25 वर्षीय शहजाद अंसारी की भी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रम एवं सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव प्रेम प्रकाश सिंह गौशालाओं के निरीक्षण के लिए भदोही पहुंचे थे। विशेष सचिव ने मसूदी, आनंदडी, कस्तूरीपुर, बैदाखास सहित अन्य गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया है। कल तक जो पशु संरक्षण केंद्रों में भूखे प्यासे हरे चारे के अभाव में पड़े थे, निरीक्षण की सूचना पर गौशालाओं में भूसा, पानी व हरे चारे की चकाचक व्यवस्था कर दी गई थी। निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों को संरक्षित करते हुए गौशाला भेजा जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गौशालाओं में पौधरोपण करते हुए संरक्षण केंद्रों को छायादार बनाया जाए। कई गौशालाओं में अव्यवस्था देख विशेष सचिव ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया है। हनुमान जयंती पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। ज्ञानपुर के पटेल नगर से निकाली गई शोभा यात्रा ज्ञानपुर, गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे से खड़हट्टी मोहाल, सदर मोहाल, बड़ी चौराहे से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जंगीगंज, ऊज, कोयरौना से सीतामढ़ी नंदन हनुमान मंदिर पहुंची थी, जहां श्री हनुमान जन्म उत्सव व हनुमान चालीसा के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। आरएसएस के जिला प्रचारक प्रवीण कृष्ण सहित औराई ज्ञानपुर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी शोभा यात्रा में शामिल रहे। शोभा यात्रा में डीजे गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में भक्त हनुमंत ध्वजा फहराते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस फोर्स तैनात रही।
सीओ की मौजूदगी में शोभा यात्रा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शीतला प्रसाद जायसवाल, धर्म प्रचारक संतोष वर्मा आदि मौजूद रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने भदोही विकास खंड के चौरी इलाके के धनापुर प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। बीएसए के निरीक्षण में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका विद्या मिश्रा गैर हाजिर पाई गई हैं। बीएसए ने रजिस्टर का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रधानाध्यापिका द्वारा रजिस्टर पर रोजाना कहीं न कहीं जाने का बहाना बनाकर गैर हाजिर रहती थी। बीएसए ने स्पष्टीकरण मांगते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी है। उधर कायाकल्प के तहत कराए गए कार्यों में भी लापरवाही मिली है। बीएसए ने ग्राम प्रधान को कायाकल्प के तहत बचे हुए कार्यों को पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। घर से महाराजगंज के लिए निकला 19 वर्षीय युवक लापता हो गया। साथ लेकर निकला मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इस संबंध में अवराई के कोरोना निवासी इस्लाम ने एक गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 19 वर्षीय पुत्र हाफिज साजिद घर से महाराजगंज के लिए निकला था, लेकिन वह महाराजगंज नहीं पहुंचा। काफ़ी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। गुमशुदगी रिपोर्ट में बताया गया कि हाफिज साजिद का रंग गेहुआ है, लंबाई 5 फीट 3 इंच है, ब्लू कुर्ता सफ़ेद पजामा पहने हुए है। युवक के लापता होने से परिजन परेशान हैं। उधर अवराई पुलिस ने युवक के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। भदोही जिले में गुरुवार को धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। जिले के हनुमान मंदिरों को गदई के फूल, माला व झालरों से भव्य रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर कहीं सुंदर कांड का पाठ तो कहीं कीर्तन भजन अखंड मानस पाठ का आयोजन किया गया। ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरियनाथ मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से हनुमान जन्म उत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। इसी तरह गोपीगंज, औराई, सूर्यामा, खमरिया, नई बाजार, चौरी, देवनाथपुर, कोईरौना, ऊज, सीतामढ़ी, महाराजगंज, सर्रोही बाजार, उगापुर, मोड़ सहित समूचे भदोही जनपद में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जन्म उत्सव मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की कतार लगी रही। गोपीगंज नगर के महावीर मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद चालक ट्रक लेकर प्रयागराज की तरफ फरार हो गया। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिला व 3 पुरुष मौजूद थे। हालांकि हादसे में कार में सवार सभी बाल बाल बच गए। सूचना पर गोपीगंज पुलिस पहुंच गई थी। जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की लापरवाही से परिसर में आड़े तिरछे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों से भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह परिसर में इस तरह खड़े वाहनों से मरीज लेकर आने वाले एम्बुलेंस भी फंस जाते हैं। नगर के अभिषेक मदनवाल, समर गुप्ता, हनुमान जायसवाल ने बताया कि एम्बुलेंस ना तो इमरजेंसी कक्ष तक आसानी से पहुंच पा रही है और ना ही ओपीडी कक्ष तक। मरीजों का पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। जिला अस्पताल का समूचा परिसर आड़े तिरछे खड़े वाहनों का स्टैंड बन चुका है। अस्पताल परिसर में 2 पहिया सहित अन्य वाहनों के बेतरतीब ढंग से खड़ा होने से मरीजों व उनके साथ आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पार्टी का झंडा वंदन किया गया। कहीं मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया तो कहीं सभाएं आयोजित की गई। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना दुबे के नेतृत्व में संगठन से जुड़ी भाजपा नेत्रियों ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस मौके पर स्नेहलता श्रीवास्तव, रीना जायसवाल, अंजलि मौर्य, गुंजा सरोज आदि महिलाएं मौजूद रहीं। इसी तरह विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का स्थापना दिवस भदोही शहर के नई बाजार में भी मनाया गया। नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में नई बाजार के मेन रोड पर पार्टी का ध्वजारोहण करते हुए भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर राजीव मदनवाल, पप्पू जायसवाल, कामता चौरसिया, विमल जायसवाल आदि मौजूद रहे।
रसोई गैस सिलेंडर के लेन देन को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में मर्यादपट्टी निवासी कैलाश नाथ नामक व्यक्ति घायल हो गया। कैलाश नाथ ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपने पुत्र के शादी में खाना बनाने के लिए मर्यादपट्टी निवासी एक व्यक्ति से भाड़े पर गैस सिलेंडर लिए हुए था। वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी सिलेंडर को वापस कर दिया गया, लेकिन भाड़े पर सिलेंडर देने वाला व्यक्ति एक सिलेंडर कम होने की बात करते हुए उसे गाली गलौज देने लगा। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। कैलाश नाथ ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घायल कैलाश नाथ का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। कलेक्टर के NIC सभागार में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को जब चाबी हाथ लगी तो उनके चेहरे खिल गए। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने 4 लाभार्थियों को चाबी सौंपी है। इन लाभार्थियों में सिट्टू देवी, प्रीति देवी, सुनीता देवी व रविन्द्र यादव शामिल रहे। जिला नगरी विकास अभिकरण डूरा भदोही द्वारा कलेक्ट्रेट के NIC सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर PM आवास के 4 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आज जनपद के वंचित वर्गों को पक्का आवास दिलाकर उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। इस मौके पर PO डूडा, शशिकांत मल्होत्रा व अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। गोपीगंज में फायर विभाग कर्मियों द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर आग को बुझाने और आग लगने के बाद अपनी सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में जागरूक किया गया। गुरुवार को फायर विभाग की तरफ से आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान लीडिंग फायरमैन कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गोपीगंज नगर पहुंची थी। टीम ने गोपीगंज बाजार के 2 दर्जन प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर लोगों को आग लगने के बाद कैसे खुद की सुरक्षा करें और आग पर कैसे काबू पाए, इस बारे में जागरूक किया है। साथ ही आग से जागरूकता के पंपलेट भी बांटे गए। जागरूकता अभियान में फायरमैन चंद्र प्रकाश मिश्रा, कपिल रस्तोगी, ज्ञानचंद मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।